मेरे भाई लोग, मेरा नाम उमर बिन अवध है। मैं तालाब कट्टे का रहने वाला हूँ। मेरे वाली साहब रोड रोड पे से जा रहे थे, तो हमारे चिचा के साले साहब क्या करे, गाली गलौज करे, पी ले गए थे समझो, फुल ड्रिंक कर ले गए। तो गाली गलौज करे उन्होंने, तो हमारे डैडी क्या है, कहीं को गाली गलौज करा तो देखने गए, तो उनको जाते कि डायरेक्ट मारे, मार दे के क्या करे, फिर डायरेक्ट हम पी एस को गए, तो सामने वाले आके बचाने जाके गाली गलौज हम मार देते, कर देते। वो सामने वाले जो मिलेनियम स्टार स्कूल है, उनके ब्रदर थे खालिद बिन हादी के दो छोटे भैया, नासिर बिन हादी और सुफियान बिन हादी, दोनों मिलके मतलब हमारे डैडी को ढकलम ढकली कर दिया, उसको भगा दिया, जो जाना महाराज वाले को भगा दिया, पी ले गया था उन्हें। तो हमारे डैडी क्या करे, फिर भवानीनगर पीएस को गए, पीएस में जाके कंप्लेन करा, तो एमएलसी का उन लोगों का दिए रिकॉर्ड, तो एमएलसी कराने के वास्ते। तो मैं डायरेक्ट पीएस में जब मैं काम करता हूँ सर शुरू में, तो वहाँ से सीधा पीएस को आया मैं। पीएस को आते कि डैडी को पिकअप कर लेके आया, तो हमारे घर के सामने गाड़ी थी, तो मैं बुलाया था कंप्लेन देके, तो ना आए, तो हम लोग रुके क्या, मतलब आप कहीं को रुकी गाड़ी क्या है क्या नहीं, देखने कहा से बात करो, तो ना सामने से कहीं को घूर रहा क्या कर रहा, गाली दे किसको दे रहा बोल के आके निकल पंचा लेके कर ले गए, तब अटैक कर दिया हमारे पुलिस की गाड़ी के सामने। उन लोग आके अटैक करे हमारे पास, खाली पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडली पुलिस खाली बस वीडियो ले रही। अब हमारे इतना डैमेज कर दिया हमारे डैडी को, देखो आप इतना डैमेज, निकल पंजों से लेके हर चीज़ से लेकर डैमेज कर दिया। मेरे को टाके लगे यहाँ पे, तीन टाके लगे, हमारे डैडी को पांच टाके लगे। अब इसका कौन जिम्मेदार है सर? और उन लोगों का हम एफ आई आर कराए उनके नाम पे, तीनों के नाम पे एफ आई आर कराए, मगर 224 सेक्शन लगा, इतना छोटा सा सेक्शन क्यों सर? 307 तो लगना सर, कम से कम मिनिमम उनके ऊपर 307 के हकदार हैं लोग। एक वो तो मडम अटेम्प्ट टू मर्डर केस है सर, वो हम लोग के ऊपर जान का धोखा है, हमारे को कभी भी मार सकते हैं। कहीं को बोले तो इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था इंसिडेंट पुलिस की गाड़ी के सामने, अभी भी सेम ऐसे ही करे सर, अब इतना छूट क्यों सर? तो अब कुछ फिलहाल लोकल लीडर मतलब हमारा घर का प्रॉपर्टी मैटर कोर्ट में चल रहा सर ऑलरेडी 1 ईयर से। तो ये लोग बीच में आके कोई लोकल लीडर्स है एरिया के, उन लोग भी मतलब बीच में प्रेशर डाल रहे कि सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम लोग नहीं करते सर। कहीं को तो जो भी फैसला होगा कोर्ट से होगा हमारे, हम कहीं को किस में भी सपोर्ट करेंगे। इसमें भी हम पीएस से भी बहुत अपील करें, पीएस वाले भी मतलब जितना सपोर्ट करना है वैसा नहीं कर रहे। तो हमारे कानून से एक ही अपील है कि हमारे सपोर्ट होना, और 307 इनके ऊपर केस बुक होना, और हमारे होम मिनिस्टर मीर महमूद अली से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है बहुत ज़्यादा, कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे असद साहब, अकबर साहब से भी बहुत गुजारिश है कि इस केस के बारे में थोड़ा आप भी देखें, जिसके मतलब जो जने सच के ऊपर है, हक के ऊपर, उनका साथ दीजिए बस प्लीज़। हमारे से कुछ भी किसी से लेना देना नहीं, हम हमारे काम की जगह हम करते रहे सब, हमारी जगह हम रहते, किसी के नामों निशान में नहीं आज तक, हमारा रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, हमारी ओन प्रॉपर्टी है। हम हमारे डैडी क्या करें, हमारे ब्रदर्स को रहने के लिए दिए थे, बट अभी परमिशन कैंसिल कर दी, तो इसलिए हम लोगों के ऊपर वो अटैक हो रहा है कोर्ट में, कितने केस लोग फेक अटैक करे आपके डैडी को? टोटली पहले एक जने करे, फैसल भामरान उनका नाम है। जी। नेक्स्ट टाइम जो करें हम एमएलसी लेने के, मैं डैडी के साथ ही जा रहा था, फिर पीएस की गाड़ी को देख के रुका, जी। रुके बाद में ना अचानक कुछ भी गाली दे रहा हम इधर वाले, पुलिस के सामने आके आर्म्स लेके अटैक स्टार्ट आप कर दिया। दो ही लोग, हम लोग दो ही लोग थे, देखिए हमारे पूरा सा टाके वगैरह लगे सर, हाँ पांच पांच टाके लगे सर, हमको पूरा खतरनाक मार दिया सर, बहुत जी बहुत बड़ा गिर गया सर, आग में भी डैमेज आग, आया, आग पूरा डैमेज हो गया, दिखने नहीं आ रहा कुछ भी, जब से कुछ भी खा रहे भी पूरा नहीं, तकलीफ है इधर, पूरा पूरा बॉडी पेन हो रहा, हर जगह पे दर्द हो रहा, जब से खाना भी नहीं कर रहा, खाली खून के उल्टियाँ हो रहा सर उनको, जब से बहुत देर से ये प्रॉब्लम हो रहा। अभी इसका कौन जिम्मेदार है सर? हमारे मौनी नगर SHO को भी हम रिक्वेस्ट करें तो भी सब जने लाइट ले रहे सर अभी, अब हमारे हमारा कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है सर इस चीज़ का, बोलिए आप भी। अब आप लोगों से एक ही अपील है सर, हमारे से इंसाफ होना बस, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे सर। 307 हमारे को केस बुक होना सर, इन लोगों के ऊपर 324 सेक्शन लगा है, निकल पंच से सब कुछ मारा सर, मतलब हाथ से मारा तो इतना तो डैमेज नहीं होता सर, आप लोगों को ये मालूम है, टाके वाके लगना वो तो मामूली चीज़ नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर 100% अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना सर, 307। हम बस महमूद अली, मीर महमूद अली से ये गुजारिश कर रहे हैं, और भवानी नगर SHO से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को 307 केस बुक होना सर, और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाह रहे।